हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक नई डिजाइन की कैप बनाना सीखते हैं। इसी कैप को हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया है। 0 से लेके 6 मंथ तक के बेबी के लिए ये आराम से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आता है। ये इस तरह से फ्रंट लुक है और पीछे की साइड से हमने सिंगल कलर में लिया है। आप चाहे तो डबल कलर में भी बना सकते हैं। हमने सिंगल कलर लिया है, यहाँ पर 2 कलर से भी बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से 75 फंदों से हमने शुरू किया था, इस तरह से कैप बनाया है। ठीक है, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप बनाने के लिए इसमें 75 फंदे डाले हैं, 75 फंदे डाले हैं और 11 नंबर की नीडल से बॉर्डर बनाया है। ये हमने 8 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है, 4 लाइन बनकर आई है, 1 2 3 4। 4 लाइन बनने के बाद फिर सीधी साइड से हमने डिजाइन शुरू कर किया है 2 रंग का इसमें, और ऊपर हमने 10 नंबर की सिलाई लगाई है। ठीक है, 10 नंबर की सिलाई से हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है और 11 नंबर की सिलाई में हमने फंदे बनाए हैं और 8 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। ठीक है, इस तरह से हमने ये बनाया है। यहाँ से यहाँ तक हमने 5 इंच ये बना लिया है। और अब हम इसको बनाने से पहले हम इसका डिजाइन बनाना बताते हैं आपको कि यह हमने डिजाइन कैसे बनाया है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 4 के मल्टीपल करने के बाद 3 फंदे आखिर में एक्स्ट्रा चाहिए। ये हमने इतना बना लिया है और हम कम फंदों में आपको इसका डिजाइन बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए, आपको दिखाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे लिए हैं, 15 फंदे लिए हैं, 12 फंदे 4 के मल्टीपल करके हैं और आखिर में 3 फंदे एक्स्ट्रा है। फर्स्ट कलर से हमने फंदे बनाए हैं, इसमें 2 सिलाई उल्टी बना ली है और सेकंड कलर से हम डिजाइन शुरू करते हैं। कोई भी 2 कलर ले सकते हैं अपने पसंद के। तो हमने ये 2 कलर लिए हैं, ये ब्लू कलर है और वाइट कलर है। ब्लू कलर से हमने बॉर्डर बनाया है और वाइट कलर से डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं डिजाइन बनाना। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे। यही 4 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे। आखिर में 3 फंदे हैं, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। सीधी साइड की पहली सिलाई पूरी होती है, उल्टी साइड है दूसरी सिलाई। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। दूसरी सिलाई है उल्टी साइड की, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, जो फंदा स्लिप किया था उसको स्लिप किया करेंगे और यही 4 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1 फंदा स्लिप करते हैं, फिर 3 फंदे उल्टे बनाते हैं, 1 2 3, फिर 1 फंदा स्लिप करते हैं। यहाँ पर हमारे 3 डिजाइन ख़त्म होते हैं, आखिर में 3 फंदे बचते हैं, तीनों उल्टे बना लेते हैं, 1 2 3। दूसरी सिलाई पूरी होती है उल्टी साइड की। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ठीक है, वाइट कलर से और ऊन आगे लेकर आएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इस तरह से सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई को पूरी करते हैं, आखिर का फंदा सीधा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से तीसरी सिलाई है सीधी साइड, ये पूरी उल्टी उल्टी बनाकर पूरी करते हैं इस तरह से, और ऐसे स्टिच आखिर का फंदा हम सीधा बना लेते हैं। तीसरी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की, उल्टी साइड है 4th रो, रॉन्ग साइड की 4th रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई को पूरी करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारी 4 सिलाई पूरी होती है। एक कलर से हमें 4 सिलाई बनानी है। 4 सिलाई बनने के बाद इस तरह से नज़र आता है। एक कलर की 4 सिलाई पूरी हो गई है। अब हम कलर चेंज करेंगे, दूसरा कलर, फर्स्ट कलर लगाते हैं ब्लू कलर। अब 4 सिलाई हमें इसी तरह से सेम इसी तरह बनानी है, लेकिन कलर चेंज करके। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू कलर से।
यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। सीधी साइड है पांचवी रो, एक तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, ये पांचवी सिलाई है सीधी साइड, एक फंदा स्लिप करेंगे। तीन फंदे सीधे बनाए, एक फंदा स्लिप किया, यही चार फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। तीन फंदे सीधे बनाने, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप करना है, फिर से तीन फंदे सीधे बनाने, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप करना है, आखिर के तीन फंदे सीधे बना लेने हैं, एक दो तीन। पांचवी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड, उल्टी साइड है छठी सिलाई। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं फर्स्ट कलर से, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, आखिर में तीन फंदे बचते हैं, तीन उल्टे बना लेते हैं, एक दो तीन। दूसरी ये छठी सिलाई पूरी होती है उल्टी साइड, सातवीं सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करते हैं, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से फिर सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई को पूरी करते हैं। सातवीं सिलाई है सीधी साइड, ये पूरी उल्टी बनेगी इस तरह। ये देखिए कितनी जल्दी से डिजाइन बनकर आता है, ये आखिर का फंदा सीधा बना लेते हैं। सातवीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की, आठवीं सिलाई है रोंग साइड, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसी तरह से सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई पूरी करते हैं। आठवीं सिलाई रोंग साइड पूरी उल्टी बनेगी इस तरह से। चार चार सिलाई का डिजाइन है ये, एक कलर से चार सिलाई बनाएंगे, फिर दूसरी कलर से चार सिलाई बनाएंगे, इस तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर आता है ये डिजाइन इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए सेम डिजाइन बनकर आ गया है। अब ये डिजाइन इस तरह से हम शुरू करते हैं, और इस तरह से 5 इंच तक बनाने के बाद फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं बनाना, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाई का डिजाइन बनाने के बाद हमने ये इतना बना लिया है 5 इंच तक। अब ये हमने इसमें 75 फंदे हैं यहाँ पर इस समय, तो इन फंदों को हम डिवाइड कर लेते हैं 300 में, एक दो तीन, और तीनों में हमने बराबर फंदे लिए हैं। 25 फंदे इसमें हैं, 25 फंदे ये हैं, और 25 फंदे ये हैं, ठीक है। हमने मार्कर लगाया है यहाँ पर निशान के लिए, तो इस तरह से हमने फंदों को डिवाइड किया है। और इन फंदों को अब किस तरह से बनाना है ये हम आप यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरह से पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, और इस तरह से हम 25 फंदे सीधे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25 फंदे बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 25 फंदे यहाँ पर बना लिए हैं, ये 25 फंदे। अब ये मार्कर हम इस सिलाई पर लेते हैं। अब यहाँ पर बीच में 25 फंदे हैं, यहाँ पर 24 फंदे तक हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फंदा छोड़कर 24 फंदे तक बना लेते हैं सीधे फंदे। 25 फंदे ये हो गए, अब बीच के साइड के 24 बना लेते हैं, एक दो तीन चार, 24 फंदे बनाकर दिखाएंगे आपको। ये देखिए हमने यहाँ तक 24 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये एक फंदा बचा है, इसको इस सिलाई पर लेंगे, इस फंदे को हटा के रखेंगे यहाँ पर, और इसे पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे, और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से बैक लूप से, ठीक है। और इसे यहाँ पर लगा देते हैं। ये इतना यहाँ पर बनाने के बाद इसे हम यहाँ पर इन फंदों को नहीं बनाएंगे, इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, और इस सिलाई को इस तरह से घुमा लेते हैं। आखिर में जो फंदा हमने एक फंदे का दो फंदा बनाया है उसको स्लिप कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इन फंदों को उल्टा बनाएंगे, एक दो, इन फंदों को कहाँ तक हमें उल्टा बनाना है, यहाँ तक, यहाँ तक उल्टा बनाना है एक फंदा छोड़कर, ठीक है। तो इनको उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ तक ये फंदे बना लिए, यहाँ पर मार्कर लगा है, उससे पहले एक फंदा छोड़ा है, इसे उतारेंगे,
ठीक है, और इस फंदे को और एक फंदा इसमें से लेकर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इसे सिलाई पर डालेंगे, ठीक है, इस सिलाई पर वापस डाल देंगे। अब इसको फिर से हम यहीं से घुमा लेते हैं इस तरह, यहाँ पर घुमा लिया हमने और मार्कर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमने यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा किया था उल्टी साइड से, तो इस फंदे को स्लिप कर लेते हैं और बाकी के फंदे सीधे बना लेते हैं, एक दो। यहाँ पर हम इस फंदे इन फंदों को यहाँ तक सीधा बनाएंगे, इससे पहले यहाँ तक ये एक फंदा छोड़ेंगे आखिर का मार्कर से पहले का, ठीक है, तो इन्हें हम बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ तक सीधे फंदे बना लिए, ये एक फंदा बचा है, इस मार्कर को हटाएंगे, इस फंदे को पलटकर सीधा फंदा बनाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, एक फंदा ये एक ये फंदा दोनों को एक साथ बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह से ये बना लिया। अब फिर से हम इसे यहीं से घुमाएंगे और सभी फंदे उल्टे बनाएंगे, मार्कर मार्कर से पहले एक फंदा छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं, ये वाला फंदा छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ तक बना लिया, अब एक फंदा ये और एक फंदा इधर की साइड का, इसे हटा देते हैं, इसे डालेंगे सिलाई पर वापस, एक ये फंदा और एक ये फंदा, दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक साथ, ठीक है, दो फंदों का एक फंदा बना दिया इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। जब हम आएंगे तो एक फंदा ये और एक फंदा ये दोनों को एक बनाएंगे, और जब सीधी साइड आएंगे तो एक फंदा इधर की साइड का और एक फंदा इधर की साइड का, दो फंदों का एक बनाएंगे। तो यहाँ पर उल्टी साइड का हमारा हो गया, इसे यहीं से घुमा लेते हैं, ठीक है, इस फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ तक ये फंदे सीधे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हमने 24 फंदे बना लिए हैं, ये आखिर का फंदा बचा है, तो इस फंदे को पलटकर सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से, और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधे बनाते हुए इस तरह, ठीक है, यहाँ पर फिर से सिलाई को घुमाएंगे इसी तरह से, बार बार सीधी सिलाई पर भी उल्टी सिलाई पर भी हमें दोनों साइड से एक एक फंदा लेकर बना लेना है, ये हमें आखिर तक बनाना है। यहाँ पर आखिर में इधर की साइड के भी इधर की साइड के भी सभी फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए 24 फंदे उल्टे बना लिए, अब ये एक फंदा बचा है, एक फंदा ये और एक फंदा ये, दोनों को एक साथ उल्टा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ठीक है, ये उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी हर बार इसी तरह से करना है। ये देखिए इधर से लाइन बन कर आ रही है और इधर से भी लाइन बन कर आ रही है, तो ये हमें इस तरह से फंदे जब तक हटाने हैं जब तक यहाँ पर आखिर तक सारे फंदे ख़त्म ना हो जाए, इधर की साइड के भी इधर की साइड के भी, सिर्फ बीच के फंदे बचेंगे। तो अब हमने आपको ये जैसा बताया है इसी तरह से सभी फंदे घटा लेते हैं, यहाँ पर भी एक फंदा नहीं बचेगा और यहाँ पर भी एक फंदा नहीं बचेगा, तो ठीक है हम इसे बनाकर दिखाते हैं आपको फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से इस तरह से फंदे घटाए हैं, इधर की साइड भी ये फली बनकर आई है और इधर की साइड भी ये फली बनकर आई है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पर इस समय 25 फंदे हैं, 25 फंदे हैं, और ये दोनों साइड से हमने फंदे उठाकर जब बनाना है। तो अब हम फंदे किस तरह से उठाएंगे, ये अब हमने यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई लगा दी है, 10 नंबर की सिलाई में ये बनाया था हमने पूरा, यहाँ पर अब ये 11 नंबर की सिलाई है, ये देखिए, और अब हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे, पहले इस साइड से उठाएंगे, एक डिजाइन में दो फंदे उठा लेते हैं, यहाँ पर उठाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर जगह है, दो फंदे पहले यहाँ पर उठाएंगे इस तरह से, एक दो, दो फंदे उठा लिए हमने। अब ये ए चार चार सिलाई का जो ये डिजाइन है, यहाँ पर दो दो फंदे उठाएंगे एक डिजाइन में, एक फंदा इस तरह से उठाने पड़ेंगे हमें इधर की साइड के, दो
ये देखिए चार फंदे उठा लिए, दो ये दो ये, चार फंदे हो गए, तीन और ये चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, ये सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, तैंतीस फंदे हो गए यहाँ पर, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस और एक अड़तीस, एक आखिर में किनारे पर उठाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से 38 फंदे उठा लिए हैं हमने एक साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 38 फंदे उठा लिए हैं, अब इधर की साइड से हमें सिलाई बुनकर इधर की साइड लानी है, फिर इधर के साइड के फंदे उठाने हैं, जितने फंदे हमने इधर की साइड उठाए हैं इतने ही फंदे हमने इधर की साइड उठाने हैं। तो पहले हम ये सिलाई बनाते हैं, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ठीक है, और फिर फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से, सभी फंदे सीधे बनाते हुए जहाँ तक हमने आखिर तक फंदे हैं वहाँ तक सभी फंदे सीधे बना लेते हैं। अब हम इधर की साइड आ गए हैं यहाँ पर, अब हमने इधर की साइड से फंदे उठाने हैं, एक फंदा हम यहाँ पर उठाएंगे यहाँ पर इस तरह से, एक, यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे, एक, फिर एक यहाँ पर उठाएंगे, दो, इस तरह से हर जगह से फंदे उठाएंगे, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से सभी फंदे उठा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इधर की साइड के भी हमने 38 फंदे उठा लिए हैं, सीधी साइड की पूरी हो गई, अब उल्टी साइड है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये सिलाई हमें इस तरह से बनानी है, ये देखिए उल्टी साइड है हम, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे,
इस तरह से हम बॉर्डर वाली लाइन पट्टी बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इस तरह का बनाएंगे, इस तरह से आखिर तक हम बना लेते हैं इसे। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से हम आखिर तक बना लेते हैं। इस तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर आखिर का फंदा उल्टा है, ठीक है। इस तरह से ये पहली सिलाई पूरी होती है। दूसरी सिलाई सीधी साइड है तो ये हमें इस तरह से बनानी है सीधी साइड से। ये आखिर का फंदा हमने उल्टा बनाया था तो सीधी साइड से शुरू का फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम उल्टी सी इसी तरह की सिलाई बनाएंगे बॉर्डर वाली। और 6 से 7 सिलाई बनाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे, फिर हम डोरी बनाएंगे। तो पहले हम ये 6 से 7 सिलाई पूरी कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाने के बाद इस तरह से ये बॉर्डर की लाइन बनकर आ रही है, इस तरह से बना लेते हैं। ये सिलाई पूरी करने के बाद फिर उल्टी साइड की भी सीधी साइड की इस तरह से 6 से 7 सिलाई हम बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाते हुए ये बॉर्डर बनाई है। बॉर्डर की हमने 6 लाइन बना ली है, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन बनकर आई है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये सीधी साइड है तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से बंद करेंगे इसे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं, फिर एक फंदा सीधा, ऊन आगे कर लेते हैं, फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं, फिर एक फंदा उल्टा बनाते हैं, ऊन पीछे करके, फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। इस तरह से हमें ये सभी फंदे आखिर तक बंद कर लेने हैं, ठीक है, इस तरह से ये फंदे हम बंद कर लेंगे। पूरे फंदे बंद करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमें फंदे बंद करने हैं। एक फंदा सीधा बनाया, ऊन आगे की अपनी तरफ, पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, ऊन पीछे की, फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। इस तरह से हम पूरी सिलाई के फंदे बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर बंद करके यहाँ तक फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी फंदे बंद कर दिए हैं, आखिर में यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम फंदे लगा लेते हैं इसमें इस तरह से, ऊन इसके अंदर निकाल कर इस तरह फंदे लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमने फंदी लगा दी। अब हम यहाँ पर ऊन कट को नहीं करेंगे, ऊन को कट नहीं करेंगे यहाँ पर। अब हम बांधने की डोरी बनाएंगे क्रोशिए से। ये इस तरह से ऊन लेकर यहाँ पर क्रोशिए डालेंगे और क्रोशिए से इस तरह से एक चैन बनाएंगे। फिर इस तरह से चैन बनाते हुए हम बांधने की डोरी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से जितनी बड़ी डोरी बनानी है आपको उतनी बड़ी बना सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बना ली है, थोड़ी सी और बना लेते हैं। हमने यहाँ पर ये इतनी बड़ी डोरी बना ली, ठीक है। अब इसे इतनी ही रहने देते हैं,
अब यहाँ पर इसे बंद करने से पहले यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं छोटी छोटी इस तरह से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार इस पर क्रोशे पर धागे लेकर इनको एक साथ निकाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर एक खुंदना सा बनकर आ गया इस तरह। अब इसे यहाँ पर कट कर देते हैं। जिस तरह से हमने उधर की साइड की डोरी बनाई है उसी तरह से इधर की साइड की भी डोरी बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालकर इस तरह से, उधर हमने 42 चैन ली है, 42 चैन ली है, तो इधर भी हम 42 चैन लेते हैं। ठीक है, इसे धागे को दबा देंगे, एक, दो, इसे यहाँ पर दबा देंगे इस तरह से, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों साइड की डोरी बना ली है इस तरह से, और ये इस तरह से लुक बनकर आया है। ये फ्रंट साइड का फ्रंट लुक है और ये बैक लुक है, पीछे की साइड से इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये जो कैप हमने बनाई है ये 0 से लेकर 6 मंथ बेबी के लिए आराम से आएगी, और अगर आपको इससे छोटी बनानी है तो आप इसमें कुछ फंदे कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें 75 फंदे लिए हैं, आप 62 फंदे ले सकते हैं और ऊपर से भी एक दो लाइन कम कर सकते हैं। फिर इस तरह से बनाने पर छोटे बेबी के फिट आएगी। और आपको मेरी कैप पसंद आई हो तो मेरे चैनल, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।